दोस्तों कैसे हो आप लोग, हम सब मस्त हो गए। तो हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप एक सही तरीके से एक YouTube चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हैं? उसका रीजन क्या है कि आपने बड़े बड़े यूट्यूबर के वीडियो तो देखे होंगे, बट वो कोई भी चैनल बनाए या कोई भी वीडियो बनाए तो उसका वीडियो तो वायरल हो जाएगा, बट हमारे जैसे छोटे क्रिएटर है उसका वीडियो वायरल नहीं होगा। उसका रीजन क्या है कि आपने सही तरीके से एक YouTube चैनल बनाया नहीं है, तो आपका वीडियो वायरल कैसे होगा? तो हेलो दोस्तों, आप सही तरीके से एक YouTube चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो उसके लिए तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर YouTube वाले ऑप्शन पर आपको चले जाना है। यहाँ पर अपने लोगो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। तो सिंपली से यहाँ पर आपको शिफ्ट, यहाँ पर अकाउंट वाला ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको प्लस वाला निशान है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास इस तरह का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। हाँ दोस्तों, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा। तो हेलो दोस्तों, यहाँ पर आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो सिंपल से सबसे पहले तो आपको एक न्यू आईडी बनानी है, यानी कि आपको जब आप एक न्यू चैनल बनाते हैं तो उसके लिए आपको एक ईमेल आईडी एक न्यू फ्रेश क्रिएट कर देनी है। तो आपको कैसे करनी है? तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर माय पर्सनल यूजर वाला ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जो आपको मैं तरीका बता रहा हूँ वो आप तरीका ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको पता चल जाएगा। तो हेलो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम हम डाल देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर डाल देते हैं, यहाँ पर हमने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर हम सरनेम डाल देंगे, तो यहाँ पर हम सरनेम भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने सरनेम भी डाल दी। उसके बाद यहाँ पर हम सिंपल से नेक्स्ट वाला ऑप्शन है उस पर हम क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास इस तरह का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर हमारे बर्थडे डाल देते हैं। हेलो दोस्तों, यहाँ पर हमने बर्थडे डाल दी। उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट वाला ऑप्शन है उस पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से हम कोई भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल से यहाँ पर आपको चॉइस करनी है, अपने आप से बनानी है, तो यहाँ पर आप अपने आप से भी बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर हम बना लेते हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट वाला ऑप्शन है उस पर हम क्लिक कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर हमने नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर हम पासवर्ड डाल देते हैं। तो हेलो दोस्तों, यहाँ पर हमने पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट वाला ऑप्शन है उस पर हम क्लिक कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पर सेव वाला ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर हमारी जो आईडी है वो बनकर रेडी हो चुके हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा वेट करना होगा, और उसके बाद यहाँ पर हम सिंपल से नीचे जाएंगे और यहाँ पर हम स्किप वाला ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आई एम इन नेक्स्ट वाला ऑप्शन है उस पर हम क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर हमारी जो ईमेल आईडी है वो बनकर रेडी हो चुके हैं, और आई एग्री वाला ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर हमारी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर हमने लॉग इन कर लेनी है। तो सिंपल से हम चलिए हम यहाँ पर लॉग इन कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो ईमेल आईडी है वो बनकर रेडी हो चुके हैं, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास इस तरह का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। तो सिंपल से आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर अपने लोगो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको इस तरह का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने जो लोगो है, जो अपना नाम है, वहाँ पर आपको क्रिएट कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास इस तरह का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर अपना फोटो लगा सकते हैं, यहाँ पर अपना नाम रख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर हम सबसे पहले तो फोटो लगा देते हैं। तो ये वाला जो हमें फोटो है वो हमने लगाना है, तो सिंपल से ये वाला हमें फोटो लगा देते हैं। तो हेलो दोस्तों, यहाँ पर आपको प्रोफाइल, आपको यहाँ पर फोटो लगा देना है या लोगो लगा देना है। यहाँ पर आपको अपने चैनल का नाम लगा देना है, यहाँ पर आपको उसका हैंडल लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट चैनल वाला ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्रिएट चैनल वाला ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इस तरह का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा, और ये हमारा चैनल है वो बनकर रेडी हो चुका है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी और सिंपल तरीके से आप अपने एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं, और उसकी अलग से एक सेटिंग का मैं अलग से एक वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा, तो वो वीडियो जाकर आप भी देख लीजिएगा। और दोस्तों, इस तरह से बड़ी आसान तरीके से आप एक YouTube चैनल क्रिएट कर सकते हैं, और उसके टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, सारा कुछ आपको मैं अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय और जय हिंद।